हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स मिठाई खाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है लेकिन रोज़ रोज़ बनाना पॉसिबल नहीं है तो आज मैं ऐसी मिठाई की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी जिसे आप एक बार बना के महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं कुछ टिप्स को फॉलो करके एकदम मार्केट जैसा खस्ता और घर के मिठास जैसा स्वाद इसमें ला सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना देख लेते हैं इससे पहले फ्रेंड्स अगर जो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे लेटेस्ट और यूनिक रेसिपी के नोटिफिकेशन के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना इस स्वीट को बनाने के लिए हमने यहाँ मैदा ले लिया है अगर जो आपको मैदा खाना ज़्यादा पसंद ना हो या अच्छा नहीं है आपके लिए तो आप इसमें आधा गेहूँ का आटा और आधा मैदा ले सकते हैं तो हमने यहाँ डेढ़ कप मैदा ले लिया है आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो मेज़रिंग के लिए हमने यहाँ कप ले लिया है आप घर का कोई कटोरी ग्लास ले सकते हैं उसी से सब कुछ मेजर करके लेना है तो हमने यहाँ दो चुटकी के करीब नमक ले लेना है क्योंकि नमक से मिठास में बहुत अच्छा बैलेंस आता है तो सिर्फ चुटकी से हम दो चुटकी इसमें नमक ऐड कर देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको खस्ता बनाने के लिए हमें यहाँ देसी घी ऐड करना है फ्रेंड्स यहाँ आप रिफाइन तेल नहीं ऐड करिएगा तो हमें यहाँ तीस ग्राम घी ऐड करना है तो आप टेबल स्पून से दो टेबल स्पून घी ऐड करिएगा क्योंकि पंद्रह ग्राम का होता है ये तो दो चम्मच हमने यहाँ घी ऐड कर देना है और इसे अच्छे से क्रम्बल करते हुए मोयन करना है फ्रेंड्स आप देखिएगा कि ये जितना अच्छे से मोयन होगा बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी बहुत हल्के हाथों से हमने यहाँ बाइंडिंग की है और ये देखिए बहुत जल्दी ये बाइंड हो जा रहा है तो ये मोयन जो है बिल्कुल परफेक्ट है तो अब इसका डो बना लेते हैं इसके लिए हमें नॉर्मल पानी ले लेना है तो हमने यहाँ एक कप पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका थोड़ा सा रोटी जैसे हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा टाइट डो बना के तैयार करेंगे बहुत सॉफ़्ट डो नहीं बनाना है तो फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ इसे ऐसे ही भी बना सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करूँगी जिससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा तो मैंने यहाँ ग्रीन कलर ले लिया है ये फूड कलर है कम से कम तीन चार ड्रॉप इसमें ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ये देखिए अब थोड़ा सा पानी डाल के और फिर से इसका डो बनाएंगे और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा फ्रेंड्स क्योंकि घी का मोयन है तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा डो एकदम परफेक्ट बन चुका है तो अब हम इसे सेट होने के लिए दस मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट पर और मैं यहाँ दिखा दूँ कि इसमें पानी जो हमने एक कप लिया था तो आधा पानी का यूज हुआ है डेढ़ कप आटे के लिए तो अब चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें फ्रेंड्स रिफ़ाइंड तेल हम ऐड कर देंगे या डाल देंगे आप चाहें तो इसके जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैंने यहाँ रिफ़ाइन तेल डाल दिया है इसको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से गर्म होने देंगे अब दस मिनट बाद आटा को देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट ये डो सेट हो गया है थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे थोड़ा सा सिलेंडर शेप में बना के और छोटा छोटा इसमें से लोई काट के हम रख लेंगे ये देखिए अब इसको हाथों के बीच में रख के अच्छे से दबाते हुए गोल सर्कल बना लेंगे बॉल बना लेंगे और इसे हाथों पर ऐसे फ्लैट कर लेंगे तो ऐसे ही सारा हम बना के रख लेते हैं ये देखिए है। अब इसे हम इसी प्लेटफॉर्म पर रख के हाथों से अच्छे से दबा लेंगे आप चाहें तो यहाँ थोड़ा सा डस्टिंग कर सकते हैं लेकिन मैं इसे ऐसे ही बेल के थोड़ा सा इसे बड़ा कर लूँगी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं आप देख सकते हैं इसका थिकनेस तो अब हम फोक ले लेंगे और इसमें ऐसे छोटा छोटा होल बना देंगे इससे क्या होगा जो हमारी ये मठरी है वो फूलेगी नहीं और जो शुगर सिरप है अंदर तक जाएगा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी ये मठरी बन के तैयार होती है आप देख पा रहे हैं कि सारा हमने बेल के तैयार कर लिया है तो अब चलते हैं गैस की तरफ और गैस पर जो हमने तेल रखा था गरम होने के लिए ये बहुत अच्छा अब गरम हो गया है बहुत ज़्यादा तेल को हॉट नहीं करना है आप देख सकते हैं तो इसी टाइम हम सारा ये जो मठरी बना के रखे हैं सारे पूड़ियों को डाल देंगे अगर जो आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उतना ही डालिएगा जिससे ये अच्छे से डीप हो जाए क्योंकि ये जब जैसे जैसे सीखेंगी ये ऊपर होते जाएंगी तो आप पहले से ही ऊपर भर देंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को बिल्कुल हाई नहीं करना है लो टू मीडियम भी नहीं करना है एकदम लो फ्लेम पर इसे बहुत पेशेंस से ऐसे ही सीखने देना आप देख सकते हैं कि अभी ये कितना सॉफ्ट है बहुत आराम से इसको पलट लेंगे और यहाँ देखिए ये पाँच छः मिनट सीखने के बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा जिसे आप पलटते पलटते हुए अच्छे से सेक से लीजिएगा कम से कम फ्रेंड्स लो फ्लेम पर इसे पंद्रह मिनट लगेगा सीखने में और ये देखिए अब बहुत अच्छे से सीख चुका है ये इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि लो फ्लेम पर जब आप सेकेंगे तो कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा और बहुत क्रिस्पी अंदर तक हो जाएगा तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम ऐसे जो कलछी या स्पैचुला जो भी है उससे आप निकाल के इसको थोड़ा सा सेक कर लीजिएगा जो एक्स्ट्रा तेल होगा वो निकल जाएगा नीचे और यहाँ हमने प्लेट में सारा निकाल लिया ये ठंडा भी हो गया है आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा ये अंदर तक सीख चुका है तो अब इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं तो चलते हैं फिर गैस की तरफ गैस पर हमने दूसरी कढ़ाई रख दी है और इसमें हमने चीनी कितना लिया है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसी कप से हमने यहाँ मैदा लिया था डेढ़ कप उसी कप से या आप ग्लास कटोरी जो भी लिए हैं उसी से पौना कप या पौना कटोरी पौना ग्लास आप चीनी ले सकते हैं यहाँ मैं टू थर्ड कप में इसको डाल रही हूँ तो पूरा ये भर जा रहा है और जितना हम चीनी लेंगे उसका आधा हम पानी ऐड कर देंगे आप देख रहे हैं कि हरे कप से फुल भरा हुआ था चीनी तो आधा हमने पानी ऐड किया है पानी हमने ज़्यादा नहीं ऐड किया है तो यहाँ भी फ्लेम को हाई नहीं करना है लो फ्लेम पर इसे चीनी को मेल्ट कर लेना है हाई फ्लेम करेंगे तो जल्दी से उबाल आ जाएगा और चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं होगी थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे जिससे जो हमारा सिरप बनेगा बहुत ही क्लीन वाइट बनेगा तो आप देख सकते हैं कि इस झाग में थोड़ी सी चीनी के जो अंदर इम्प्योरिटी थी वो आ गई है छन्नी की हेल्प से यहाँ हम इसको छान के निकाल देंगे ये देखिए हमारा ये शुगर सिरप बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा सा कढ़ाही को टेढ़ा करके इसको छान ली हूँ और आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से उबल रहा है तो हमें कितना पकाना है इसके लिए हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा शुगर सिरप निकाल के और ऐसे चेक करेंगे थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो देखिए कितना ये ठीक हो गया है तो बस हमें इतना ही पकाना है तो अब गैस का फ्लेम बंद करके इसको नीचे उतार लेते हैं और कम से कम पंद्रह से बीस सेकेंड तक ऐसे हम स्टर कर लेंगे इससे क्या होगा हमारी चीनी बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज होगी तो अब इसमें ये डाल देंगे क्योंकि चाशनी अभी गर्म है ठंडी होगी तो बहुत जल्दी थिक फॉर्म में आ जाएगी और इसको कलछी की हेल्प से अच्छे से अलटते पलटते हुए शुगर सिरप में इसको कोट कर लेंगे एक एक मठरी को अच्छे से खोलते हुए आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चिपक जा रही है क्योंकि चीनी है तो एक दूसरे में चिपक जाएगी तो आप ऐसे खोल के और सारे जगह शुगर सिरप को आप स्प्रेड कर दीजिएगा जिससे हमारी सारी मठरी बहुत ही मीठी और टेस्टी लगेगी तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम दो मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और ये देखिए बहुत अच्छे से ये चीनी जो है इसके ऊपर कोट हो गई है बहुत ज़्यादा चीनी नहीं लादना है नहीं बहुत मीठी हो जाएगी तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स की बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये हमारी मठरी बनके तैयार हुई है तो फ्रेंड्स मठरी की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स रिलेशन में शेयर करिएगा मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग श्री हरी